देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन और मैं हूँ सांत्वना आपके साथ। भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सुपरस्टार्स, एक जिन्हें पावर स्टार कहा जाता है और दूसरे को सुपरस्टार कहा जाता है, वो आज तक कभी एक दूसरे के दोस्त नहीं बने। दोनों की दुश्मनी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है और इस साल की शुरुआत में एक बार फिर विवाद छिड़ गया है, जहां खेसारी लाल वर्सेस पवन सिंह का विवाद शुरू हो गया है। पवन सिंह के द्वारा सोहर पर एक बयान दिया गया था, जिस पर खेसारी लाल ने जमकर पवन सिंह पर हमला बोला और कहा कि वो तो असली मर्द ही नहीं है, असली मर्द तो मैं हूँ, अगर हिम्मत है तो आप भी सोहर गवा के दिखाइए, आप ये कर ही नहीं सकते। इतना ही नहीं, खेसारी लाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि पवन सिंह मर भी जाए तो सोहर नहीं गवा सकता। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है जिसके तहत खेसारी लाल का गुस्सा पवन सिंह पर फूट पड़ा है, ये पूरा मसला कहाँ से शुरू हुआ और कब शुरू हुआ जानते हैं। दरअसल भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग कम नहीं हो रही है। नए साल में ये विवाद और भी ज़्यादा बढ़ गया है। शुक्रवार को बक्सर में खेसारी लाल यादव के एक निजी कार्यक्रम के दौरान बिना नाम लिए पवन सिंह के सोहर वाले बयान का उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा, हम असली मर्द हैं, चाहे तो हर 9 महीना पर सोहर गवा सकेला, उनका में दम है तो उहू बजवा ले, वो मर भी जाएंगे तो सोहर ना गवा सकते। दरअसल करीब एक हफ्ते पहले खेसारी लाल ने एक इंटरव्यू में मजाक में पवन सिंह को अंकल कह दिया था। इसका जवाब पवन सिंह ने दिया था। एक हफ्ते पहले पवन सिंह का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में एक स्टेज पर पवन सिंह बिना किसी का नाम लिए तंज कस रहे हैं। इस दौरान उन्होंने काफी भड़के अंदाज में कहा कि हमारी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं, क्या करे भाई, सुनता हूँ तो हंसी आती है। मुझे कुछ लोग कहते हैं मेरी उम्र हो गई है, वो आज सौरी के घर में से निकले। इसके बाद पवन सिंह उनके लिए लोकगीत सोहर बजाने को कहते हैं। खेसारी को पावर स्टार की ओर से ये करारा जवाब था, उन्होंने उनके लिए बिना नाम लिए सोहर बजवाया। तो वहीं खेसारी लाल ने भी अब बड़ी बात कह दी। 27 जनवरी की रात भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव अपने चहेते गीतकार बक्सर निवासी अखिलेश कश्यप के गृह प्रवेश में पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद लोगों के बीच बिना नाम लिए पवन सिंह के सोहर वाले बात का जवाब दिया। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच शुरू हुआ शीत युद्ध आसमान पर है। इस विवाद में शुक्रवार को पवन सिंह ने अपनी चुप्पी तोड़ी और फेसबुक लाइव हुए। उन्होंने इस दौरान खेसारी लाल का नाम लिए बिना उन्हें ओपन चैलेंज दे दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री के ये दो बड़े नामचीन चेहरे हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते रहे हैं, टक्कर जबरदस्त होती हमेशा नजर आई है और एक बार फिर से विवाद आसमान छू रहा है, जहां सबसे पहले अंकल वाले बयान से खेसारी लाल यादव ने मजाक में शुरुआत की तो जवाब में पवन सिंह ने उनके लिए सोहर बजवा दिया। अब क्या था, खेसारी लाल ने एक बार फिर से पवन सिंह पर बयान दिया है और तंज कसते हुए उनका बिना नाम लिए सोहर पर बड़ी बात कह दी है, जिसका वीडियो काफ़ी वायरल है। सोशल मीडिया पर हर जगह इसे खूब शेयर किया जा रहा है। अब देखना यह है कि भोजपुरी के इन दो चेहरों के बीच विवाद कब खत्म होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।